YouTube चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब, आज हम ANM और जो GNM के लिए पेपर कंडक्ट करवाया गया था, ये पेपर में हुआ था। ANM GNM की पोस्ट के लिए पूरा ऑफिशियल पेपर है। इस तरीके का पेपर जिन भी लोगों ने PDF ले रखी है उनमें आपको ये चार पेपर ऐड किए गए हैं। तो ये पेपर इसी मंथ में कंडक्ट करवाया गया है। ये पेपर उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो लोग ANM का पेपर दे रहे हैं। अब ANM का पेपर आप किस स्टेट के लिए दे रहे हैं, OSSC वाले दे रहे हों तो उनके लिए रामबाण की तरह है, क्योंकि OSSC वालों के लिए जो 15 नंबर है आपको रीजनिंग वगैरह आने वाली है, जो OSSC का आप सिलेबस देखना वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, तो वो यहाँ पे भली भांति उसको है जो यहाँ पे कवर किया गया है। सेकेंड थिंग, ये आपको अपने दिमाग में ये सेट नहीं करना क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है। इस पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग थी, बट आपको एक बार चेक करना है आपके लिए है या नहीं। तो चलिए हम इस पेपर को देखते हैं, क्योंकि 2023 का इसी मंथ का पेपर है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए, जिसमें आपके नर्सिंग नॉन नर्सिंग सभी तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। अब जैसा मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि आप यदि CHO का एग्ज़ाम देते हैं तो आप हर एक स्टेट के पेपर पढ़िए, NHM का देते हैं तो पढ़िए। वैसे ही मैं ANM वालों के लिए भी कहूँगी कि आप कहीं का भी पेपर देते हैं सभी पेपर्स को एक बार ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल ऑफ X2 कन्वर्जेशन इज, तो यहाँ पर X2 कन्वर्जेशन क्या है, एक एग्जाम्पल क्या है। दूसरी लैंग्वेज नीचे लिखी हुई है वो क्या है, यहाँ पर बंगाली, जो कि मुझे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन हिंदी में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो X2 कंजर्वेशन है क्या है, नेशनल पार्क है, रिजर्व फॉरेस्ट है, या फिर सीड बैंक, या फिर सेंचुरी है, क्या है X2 कंजर्वेशन। X2 कंजर्वेशन जनरली एक टेक्निक है, क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए यूज़ की जाने वाली टेक्निक है, जो कि अलग अलग जू में ब्रीडिंग करवाने के लिए या फिर बॉटनिकल गार्डन में कुछ नए नए प्लांट्स की ब्रीडिंग करनी है, दो प्लांट काट के अटैच करके नई तरीके की जो प्रजाति बनानी है उसके लिए। तो ये क्या होगा, ये होगा एक तरीके का सीड बैंक, क्या है ये सीड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो भी लोग ANM के पेपर्स परचेस करना चाहते हैं, आज ही मैंने उसमें ANM की जो PDF है, पहले 22 पेपर थे, 23वां पेपर आज है जो ऐड कर दिया है, जो कि 100 क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व हैं। तो यहाँ पर आपको चार्ज SM वही है जो पहले था, 200 रुपये में आपको अभी 23 पेपर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिकोटिलाडोनस प्लांट सो पैरेलल वेनेशन, तो यहाँ पर कौन सी लीव्स हैं जो कि डिकोटिलाडोनस प्लांट्स की पैरेलल वेनेशन को शो करेंगी। मैग्नीफेरा इंडिका, कैलोट्रोपिस प्रोकेरा, कैलोफाइलम इनोफाइलम एक्सोरा स्पीसीज, क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आप लोग भी आंसर मार्क करते जाइए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये लाइफ साइंस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बॉटनी आपने पढ़ी है उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका क्या, इसके लिए तमन्नू या फिर ऑयल नट के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, तमन्नू है, ऑयल नट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा कैलोफाइलम इनोफाइलम। इसका जो हिंदी नाम है सुल्ताना चंपा के नाम से भी ये जाना जाता है, किसके नाम से, सुल्ताना चंपा। नेक्स्ट वन, इफ़ हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, जो हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे तो फिनोमिना क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, या फिर एपिस्टेसिस, क्या कहलाएगा। आपने ये चीज़ मे बी 11th बायोलॉजी और 12th में पढ़ी है, जिसका जो बॉटनिकल सेक्शन है उसमें, तो आपको याद होगा। तो ये यहाँ पर क्या आपका टेस्ट क्रॉस,
क्योंकि दो अलग अलग तरीकों से क्या किए जा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग लाए जा रहे हैं फिर टेस्ट क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, तो यहाँ पर ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला पूछा है। ऑप्शन में C3H6C3, C3H5OH, C6H12O6 या फिर C6H10O5। बहुत ईजी फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12O6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा है तो क्या है, C6H12O6। नेक्स्ट वन, टू विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम न्यूक्लियस इज अटैच्ड, क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से न्यूक्लियस अटैच रहता है, क्रोमोमियर से, टेलोमियर से, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन से या फिर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन से, किससे अटैच रहता है, तो ये रहता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन से। नेक्स्ट वन, ABO ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ABO ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल वॉइस, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल फिशर या फिर कार्ल पियर्सन। तो जो ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी ये किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट वन, द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर, तो जो पक्षी हैं उनके पंख और जो इंसेक्ट हैं उनके पंख क्या हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हैं या फिर फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये एनालॉगस मतलब एक जैसे, पक्षियों के बर्ड्स हैं उनके विंग्स और इंसेक्ट हैं उनके विंग्स क्या है, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, सॉरी एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन में कहा है कि फाइलेरियासिस और हाथी पांव या फिर फाइलेरियासिस किसके द्वारा होगा, टीनिया सोलियम, फेसियोला हेपेटिका, वुस्त्रीचिया बैंक्रेफ्टी, हिरुडेनेरिया ग्रैन्यूलोसा, किसके द्वारा होगा, आपने कम्युनिटी में खूब पढ़ा है, तो फाइलेरियासिस और जो हाथी पाँव होता है वुस्त्रीचिया बैंक्रेफ्टी के द्वारा। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एलिफेंटियासिस के लिए, क्या वुस्त्रीचिया बैंक्रेफ्टी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ ग्वेनिन इन DNA, DNA में जो ग्वेनिन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है, एडिनिन है, थायमिन है, सिस्टोसिन है या फिर यूरेसिल है, क्या है, बेस पूछा है ग्वेनिन का DNA में, तो वो सिस्टोसिन, सॉरी साइटोसिन। नेक्स्ट वन, एट विच फेज ऑफ मियोसिस आर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड, किस फेज में मियोसिस है जो होमोलोगस मतलब अलग तरीके से क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट या फिर एनाफेज सेकंड, कौन सी फेज में करेगा मियोसिस की, तो ये प्रोसेस होगी एनाफेज फर्स्ट में, इसमें एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रोपिक हार्मोन, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रोपिक हार्मोन का एग्जांपल कौन सा है, ACTH, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन या फिर CCK PZ, कौन सा हार्मोन है जो कि ट्रोपिन हार्मोन का एग्जांपल पूछा है यहाँ पर। तो दो तरीके के हार्मोन है यदि ट्रोपिन है ट्रोपिन की कैटेगरी में लाएं, तो यहाँ पर ट्रोपिन हार्मोन का मतलब होता है कि ऐसे हार्मोन जो दूसरे हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए इंड्यूस करने का काम करते हैं। मान लीजिए कोई एक हार्मोन रिलीज होना है तो उसको इनिशिएट करने के लिए पीछे से एक हार्मोन और धक्का लगाएगा, वो कहलाते हैं ट्रोपिक हार्मोन। और यहाँ पर वो ट्रोपिक हार्मोन कौन सा है, वो है ACTH, कौन सा हार्मोन है, वो है ACTH हार्मोन। दो तरीके के हार्मोन है, ट्रोपिक जो ट्रोपिक और एट्रोपिक, एट्रोपिक को किसी दूसरे हार्मोन के ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनिशिएशन के लिए, लेकिन जो ट्रॉपिक हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट वन, द बुक सिस्टमा नेचुरा वॉज रिटन बाय, सिस्टमा नेचुरा नाम की जो बुक है किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लीनियस, रॉबर्ट हार्डिंग विटकर, जीन बैप्टिस्ट लैम्ब्रट, किसने लिखी है बुक,
सिस्टमा नेचरा इस बुक के राइटर हैं कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट वन, विच प्लांट डज एग्जिबिट हाइड्रोफ्ली, तो यहाँ पर कौन सा प्लांट है जो कि हाइड्रोफ्ली है, हाइड्रिया स्पीसीज, पाइनस स्पीसीज, ओरिजा स्पीसीज या फिर नेलुम्बो स्पीसीज। तो भाई जिन्होंने अच्छे से बॉटनी पढ़ी है उनको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर मैं बता दूँ, आंसर है आपका हाइड्रोला स्पीसीज। जो हाइड्रोफ्लाई स्पीसीज पढ़ाई गई है बॉटनी में, आप पढ़ेंगे बॉटनी आपने 11th और 12th में, जैसे जूलॉजी बायोलॉजी बॉटनी ये तीन सब्जेक्ट में आपकी डिवाइड हो जाती है, जो आपका प्लांट्स वाला सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन है आपके। तो प्लांट्स वाले क्वेश्चन में से हाइड्रोफ्लाई का मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोला स्पीसीज। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विटामिन, यहाँ पर विटामिन कौन सा है, एस्पार्टिक एसिड, स्टियारिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सा है जो यहाँ पर एग्जाम्पल है किसका, विटामिन का। तो यहाँ पर जो विटामिन का एग्जाम्पल है वो क्या है, बहुत ईजी है, वो एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, देखिए पेपर कितने अच्छे से दिया है, अंडरलाइन कर दिया कि नॉट करके पूछा है, अदरवाइज आप गलत भी मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन, कौन सा है जो स्टेरॉइड नहीं है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन जो इंसुलिन है ये नहीं है, इंसुलिन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन है क्या, स्टेरॉइड है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, तो हमारी बॉडी के बैलेंस को, पोस्चर को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलेमस या फिर पॉन्स। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में कि बॉडी के पोस्चर को या फिर बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, तो वो सेरिबेलम, क्या है, सेरिबेलम। नेक्स्ट वन, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड एंड कोर हिस्टोन ऑक्टेमियर इज, यहाँ पर कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो डीएनए स्ट्रैंड इसमें रहेगा, कोर क्या है, हिस्टोन ऑक्टेमियर है, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोटाइड या फिर क्रोमोसोम्स, क्या होंगे, तो ये होंगे न्यूक्लियोसोम, क्या होंगे, न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट वन, द मोस्ट एब्यूडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा, मोस्ट एविडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा कौन से लिपिड पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड या फिर स्टेरॉइड। सेल मेम्ब्रेन की बात की जा रही, तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो लिपिड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड, कौन से, फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मूव रेगुलरली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, तो कौन से मॉलिक्यूल हैं कंटिन्यूसली, रेगुलरली, कंटिन्यूसली मूव होते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, ग्लाइकोजन, आरएनए, डीएनए या फिर कोलेस्ट्रॉल, कौन से मॉलिक्यूल मूव होते हैं, वो है यहाँ पर आरएनए। नेक्स्ट वन, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है, डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट वुंड या फिर किल बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। ये काम कौन करता है, प्लेटलेट्स का जो एक मेन काम है हमारी बॉडी में, वो ब्लड क्लॉटिंग करना ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। तो आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, एग्जाम में आ सकता है आपको। नेक्स्ट इज, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी का स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, लिवर और मसल्स में हमारी एनर्जी किस फॉर्मेट में सेव होती है, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च या फिर फैट, किस फॉर्मेट में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, तो वो ग्लाइकोजन, जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, लेकिन स्टोरेज की बात की जा रही है तो होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। नेक्स्ट वन, द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेंस, तो एक्रोसोम है स्पर्म के, क्या कंटेन करेंगे, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रक्टोज या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या कंटेन करते हैं,
तो ये करेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो टॉप ऑफ द टिप होता है वहाँ पर, इसी एंजाइम के कारण पेनिट्रेशन में हेल्प मिलती है। स्पर्म को ओवा के लिए पेनिट्रेट करने में जो एंजाइम हेल्प करता है वो क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये कहाँ होता है, एक्रोसोमिया टिप पर। नेक्स्ट वन, विच यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से क्या है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, चेरा वल्गैरिस, मोनोसेरोमोनियाइट्स एक्सेल्स, मोनोब्लेफरस लेवेस, मार्चेंटिया पॉलीमोर्फा। तो जो पेपर आता है वही, जो इस तरीके के पेपर हैं, मैं बता दूं ये पेपर वेस्ट बंगाल में किया गया था, और अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वेस्ट बंगाल के पेपर्स को लेके, सबसे अच्छा और सबसे हार्ड पेपर आप अलग अलग जगह का देखें तो यहीं का आता है, क्योंकि इसमें आपको हर एक पेपर देखिए 2020-21-22 के, इन सभी पेपर्स में आपके लिए बॉटनी है जो बहुत ज़्यादा दी जाती है 10 से 12 नंबर तक की। तो यूकैरियोटिक में है जो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं है, तो वो होगा मोनोसेरोकोमोनाइट्स एक्सेल्स। नेक्स्ट वन, इन द स्टमक HCl सीक्रेटेड बाय, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में कौन सी सेल्स रिलीज करती हैं, सॉरी सीक्रेट करती हैं, जाइगोजेन सेल्स, कोफर सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स या फिर म्यूकस सेल्स, कौन सी सेल्स रिलीज करती हैं, HCl का सीक्रेशन है जो कौन सी सेल करती हैं, HCl का जो सीक्रेशन है क्या है, HCl का सीक्रेशन करती हैं ऑक्सेंटिक सेल्स, क्या है, ऑक्सेंटिक सेल्स, इनको कहा जाता है पेराइटल सेल्स, आपको ऑप्शन में नहीं इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है ऑक्सेंटिक सेल्स, और यदि आपको एग्जाम में आए और यहाँ पर ऑक्सेंटिक की जगह आपको पेराइटल हो तो आप मार्क कर सकते हैं, क्या है पेराइटल सेल्स। नेक्स्ट वन, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल, हार्ट का कौन सा चैम्बर, चार चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे थिक चैम्बर, मस्कुलर वॉल वाला चैम्बर कौन सा है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सा है जिसकी जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो है यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट इज, वट इज़ द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन HIV, तो HIV वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता, SSDNA, DSDNA, SSRNA या फिर DSRNA, कौन सा होगा, डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA, SS का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड, DS का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड, तो कौन सा होगा HIV में, तो HIV में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, याद रखें आप, यदि आपको इस तरीके, आपको पता है RNA वायरस है लेकिन सिंगल है या डबल है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में बॉडी का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है कि जो पचा हुआ खाना है उसको एब्जॉर्ब करना है, ईसोफेगस, लीवर, पैंक्रियाज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये काम कौन करेगा कि जो पचा हुआ भोजन है आपका डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी हमारी छोटी आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन, मेटाबोलाइज करेगा लीवर, ईसोफेगस है जो हेल्प करेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, मोस्ट ऑफ दी जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट वन, इन BCG वैक्सीन द फुल फॉर्म ऑफ BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलाई कालमेटिक यूरिन, क्या है, बैसिलाई कालमेटिक यूरिन, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग फिनोटाइप, कौन से प्लांट्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं बोल्टिंग फिनोटाइप के लिए, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर IAA, तो जो प्लांट रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, जिब्रेलिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज फाउंड इन द स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन से पिगमेंट होते हैं, एंथ्रोसाइनिन, साइनिडिन, मेलानिन या फिर ऑप्सिन, तो हमारी बॉडी का कलर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मेलानिन पर, मेलानोसाइट सेल जो मेलानिन को रिलीज करती हैं, यदि ज़्यादा मेलानिन है मतलब आपकी बॉडी डार्क रहेगी और यदि कम है तो आप है तो बहुत ज़्यादा गोरे रहेंगे, तो मेलानिन क्या है आपकी बॉडी का स्किन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
विच अमंग दी फॉलोइंग इज आर को एंजाइम, इनमें से को एंजाइम कौन सा है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक आंसर अलग अलग रहने वाले हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, आंसर एक क्वेश्चन के आंसर तीन तीन है। यहाँ पर कौन से हैं जो को एंजाइम से, एफ ए डी एच, एम जी, एम एन या फिर विटामिन ए। तो यहाँ पर जो को एंजाइम है एफ ए डी एच और विटामिन ए, ये दोनों क्या हैं, को एंजाइम है। ये आपको मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये दोनों क्या हैं, को एंजाइम है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स टाइप इन जाइलम टिश्यू आर डेड, कौन से इस टाइप की सेल्स हैं जिसमें जाइलम टिश्यू मरे हुए रहेंगे। ट्रैकेट्स, ट्रैकी, जाइलम फाइबर या फिर जाइलम पैरेन्काइमा, कौन से होंगे। तो वो होंगे आपके ट्रैकेट, ट्रैकी, जाइलम फाइबर्स। तो आंसर में आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड। नेक्स्ट वन, इन ह्यूमन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सिफेरॉल लीड्स टू, कैल्सिफेरॉल दैट मीन्स विटामिन डी। अब यहाँ पर आप बताइए कि विटामिन डी की कमी से क्या होगा। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा विटामिन ए। रिकेट्स हड्डियों का है और ऑस्टियोमलेसिया है, तो दोनों किससे होंगे, विटामिन डी की कमी से और कैल्सिफेरॉल से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वायरल डिसीज, तो इनमें से वायरल डिसीज कौन सी, एड्स, टिटनस, इन्फ्लुएंजा या फिर निमोनिया। तो ये दोनों बैक्टीरियल हैं, क्या है, बैक्टीरियल हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है वायरल की, तो एड्स होगा किससे, एचआईवी वायरस से, और इन्फ्लुएंजा होगा H1N1 फ्लू से। तो आंसर आपका होगा ए और सी। नेक्स्ट वन, साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा आर, साइलेंट फीचर क्या है फाइलम कॉर्डेटा का। प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड या प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल ग्रिल स्लिट्स, क्या होगा यहाँ पर। तो जो भी लोग OSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं बता दूं कि उनको बॉटनी पढ़नी है, लेकिन इतनी डीप में नहीं पढ़नी है, क्या दो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपको नहीं आते हैं, क्योंकि जो स्टाफ नर्स के पेपर इवन उसमें भी नहीं आती है आपको ये सब चीज़ें, और ANM में भी नहीं आती, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। साइलेंट फीचर है फाइलम कॉर्डेटा के कौन से, तो वह BCD, नोटोकॉर्ड है, डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी होता है, फेरेंजियल गिल भी होते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन ZDNA, तो ZDNA में क्या प्रेजेंट रहेगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी होंगे, हाई सैलिनिटी भी होंगे, 12 बेस पेयर पर टर्न भी होंगे। तो आपके आंसर में आएंगे तीनों, ABC। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल्स इज नोन एज एग्रेन्यूलोसाइट्स, मतलब इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, कौन सी सेल्स है वो, वेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या फिर लिम्फोसाइट्स, कौन सी सेल है एग्रेन्यूलोसाइट्स वाली, तो वह बी एंड डी, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज आर फॉल्स फ्रूट्स, तो जो फॉल्स फ्रूट हैं वो है यहाँ पर एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। एप्पल और स्ट्रॉबेरी को क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियोइड मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना तो न्यूक्लियस होता है, और जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो मेम्ब्रेन कहाँ से होगी। तो आंसर होगा आपका ए एंड बी, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है ADH इज अ पेप्टाइड हार्मोन, थायरोक्सिन इंक्रीज द BMR ऑफ बॉडी, प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन डाइजेशन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट बिल्कुल सही है कि ADH एक पेप्टाइड हार्मोन है, क्लियर। फिर थायरोक्सिन BMR को बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन डाइजेशन, फिर है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, CND, क्योंकि प्रोलैक्टिन ना तो डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा ना कि डाइजेशन में, ना सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो आंसर होंगे आपके CND। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का सही फॉर्मूला और मेन कंपोनेंट क्या है, NaHCO3, NaCO3, NaCl या फिर HCl, क्या है सही कंपोनेंट, तो NaHCO3। नेक्स्ट वन, विच वन हेल्प्स टू डिफाइन फोर्स, अब यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट थर्ड लॉ दिए गए हैं, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल दिए गए हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया है, तो यहाँ पर फोर्स को लेके कौन सा न्यूटन का लॉ ही लगता है, तो वो है फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला लॉ। नेक्स्ट वन, 1 GB मेमोरी इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 1 MB मेमोरी, 1 GB मेमोरी 1 MB मेमोरी से कितनी ज़्यादा होती है, तो ये होती है 1000 गुना, कितनी 1000 गुना, आई थिंक 1 GB में 1084 MB होते हैं। नेक्स्ट वन, LPG यूज्ड एज डोमेस्टिक कुकिंग गैस इज कंपोज्ड मेनली, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है डोमेस्टिक, घर में सबके घर में गैस चूल्हा होता है, उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मिथेन नेचुरल गैस या फिर एसिटाइलीन, मेन कंपोनेंट होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, मोनोबेसिक डाइबेसिक ट्राइबेसिक या फिर टेट्राबेसिक, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है डाइबेसिक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल माइल्ड एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या हो गए, तो ये है यहाँ पर माइल्ड एसिड, एक तरीके का माइल्ड एसिड। नेक्स्ट वन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40, यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की सॉल्ट की पानी में सॉल्युबिलिटी क्या है 40, अप्रॉक्सीमेट हाउ मच कॉमन सॉल्ट इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम नमक का 100 डिग्री सेल्सियस पर कितने है जो सैचुरेशन की जरूरत पड़े, सॉरी कितने नमक की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा यहाँ पर आपका 28.5। मिल्क इज अ, दूध क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कोलॉइड है कि सस्पेंशन है, दूध क्या है, ये कोलॉइड है, क्या है कोलॉइड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, अब आपको 49 पर है जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, वेसल इज फिल्ड टू द ब्रिम बाय लिक्विड, इट इज ऑब्जर्व दैट द वेसल ऑलवेज रिमेन्स फिल्ड टू द ब्रिम इवन इफ इट इज हीटेड और कूल्ड, व्हाट इज द को एफिशियंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, तो यहाँ पर आपको को एफिशियंट अमाउंट निकालना है जो आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3α। एक और क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा है, उससे है आपको ये क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको ये फिगर आउट करना है, तो ये आपका कितने डिग्री पर कोण बनता है, तो होगा 32 डिग्री एंगल पर। फिर एक और है आपका क्वेश्चन कि कितने हीट है जो मेल्ट, सॉरी आइस है जो मेल्ट कर रही है हीट पर, तो कितनी, यहाँ पे कहा है कि 80 kcal/g, 1 kcg/degree Celsius, 540 kcal/g, क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने सभी चीज़ें बताई कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस कैप्ट इन 0 डिग्री सेल्सियस, कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो होगी 72 kcal। नेक्स्ट वन, 1 नैनोमीटर इक्वल टू, तो 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, ये होता है 10⁹ के बराबर। नेक्स्ट वन, GPS स्टैंड फॉर, तो GPS का मतलब क्या है, GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ इज, तो धरती का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंट है वो क्या है, ऑक्सीजन से मिलके बनी, कार्बन हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा क्या है, तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, किसी भी चीज़ का फोर्स और उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वर्क पावर एनर्जी या फिर मोमेंटम, ये कहलाता है पावर, क्या है पावर। नेक्स्ट इज व्हेन अ बलून इज ब्लोन विथ एयर एंड इट्स माउथ इज टाइट, जब आप बलून को क्या कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, एयर भर रहे हैं माउथ से, तो
क्या होगा, ऑल मॉलिक्यूल्स इनसाइड बिकम फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, देयर विल बी एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दोज एयर मॉलिक्यूल्स, या फिर दोज एयर मॉलिक्यूल्स कीप मूविंग रैंडमली एंड ऑफन हिट द बलून सरफेस फ्रॉम द इनसाइड। क्या होगा यहाँ पर, जब आप मुंह से फुग्गा फुलाते हैं तो आपका हो सकता है कि एम्प्टी स्पेस होगा एयर मॉलिक्यूल के बीच में तो भर जाएगा, या फिर मूव करेंगे जो इस सरफेस एरिया है उसके कारण। नेक्स्ट वन, जब आपने बलून फुकाया फिर बांधे भी देते हैं आप उसको जो जहाँ से हवा भर रहे हैं, तो वो किस कारण ब्लो रहेगा, ये है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट वन, स्टीम कॉजेस मोर सीवियर बर्न इंजरी देन बॉयलिंग वाटर, बिकॉज जो भाप से आप जलते हैं, कोई गर्म प्लेट उठा लीजिए बॉयल पानी के ऊपर से या दूध के ऊपर से, और जो इंजरी आपको डायरेक्ट गर्म पानी गिरने से होगी, वो क्या डिफरेंस है इसमें। स्टीम अटैक्स ह्यूमन बॉडी विथ मोर फोर्स, स्टीम कंटेंस मोर हीट देन बॉयलिंग वाटर ऑफ सेम मास, या फिर स्टीम इज अ वेपर, स्टीम इज हॉटर देन बॉयलिंग वाटर। आंसर आपका क्या होगा, स्टीम से आप जो जलेंगे एज कम्पेयर टू गर्म पानी के कारण, तो जो ज़्यादा जलेंगे आप स्टीम से, क्योंकि स्टीम में ज़्यादा हीट रहेगी बॉयलिंग वाटर के कंपेयर में एज कम्पेयर टू, और मास है जो क्या है वो सेम है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो यहाँ पर सही क्या है, लिक्विड एंड गैसेज है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, फिर यहाँ पर सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, सॉलिड नेवर डिफ्यूज इन ईच अदर, गैसेज डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या है, गैसेज का शेप फिक्स रहेगा किसी सिलेंडर में, वरना जितनी जगह होगी उतना ही भरेगा, उतनी ही वॉल्यूम में जाएगी, लेकिन सॉलिड के लिए भी सेम वॉल्यूम सेम शेप रहेगा, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सॉलिड के लिए क्या है, फिक्स वॉल्यूम है और फिक्स शेप है, गैसेस के लिए एक फिक्स शेप नहीं रहेगा, तो आप मार्क करेंगे बी और डी को, क्योंकि गैसेस के लिए जो लिक्विड एंड गैसेस फिक्स्ड वॉल्यूम है लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड डी। नेक्स्ट है आपको फिर वही न्यूटन का लॉ लगाना है, तो यहाँ पर आपको खुद से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट इज, इफ अ वॉल इज रिलीज टू ग्राउंड फ्रॉम एनी हाइट, यदि कोई भी वॉल बहुत ऊंचाई से ग्राउंड पर पहुंचती है तो क्या होगा, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब ग्राउंड पे बॉल जाएगी तो मिनिमम एनर्जी के साथ जाएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इसके कारण बॉल बाउंस हो जाती है। एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल द टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग टू चेड, तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या है इसका, रिक्वेस्ट क्रिटिसाइज एडवोकेट या फिर प्राइज, मतलब इसके उल्टे आपको बताना है, तो वो होगा प्राइज, क्या है प्राइज। नेक्स्ट वन, पिक आउट द वर्ड दैट हैज आइदर नियरली द सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग टू एक्सेलरेट, तो इसका अपोजिट वर्ड बताना है आपको क्या होगा, तो इसका अपोजिट वर्ड है एक्यूज, क्या है किसी को एक्यूज करना। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस बोथ द वर्ड्स इन इटैलिक्स इन टू गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या है जो दोनों वर्ड्स के लिए रिप्लेस कर सकता है। मैनेजमेंट डिड नॉट फाइंड हिम सुटेबल फॉर द जॉब ऑफ अ क्लर्क, आकाश कुड नॉट अरेंज ऑल पार्ट्स ऑफ द मशीन प्रॉपरली, यहाँ पर सुटेबल और अरेंज जो दो वर्ड दिए हैं इनके लिए आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो सही होगा, होगा फिट, सुटेबल और अरेंज दोनों क्या है सेम है। नेक्स्ट वन, ऑब्जर्व द टू इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग टू सेंटेंस गिवन बिलो, एंड वन ऑप्शन यहाँ पे है कि आई एम इंडेब्टेड टू माय फ्रेंड्स वाइस काउंसिल, यहाँ पर एक ये रहा, दूसरा सम मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग, यहाँ पर इन दोनों में से सही क्या है, तो होगा आपका यहाँ पर ना तो फर्स्ट सही है सेंटेंस ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट वन है, चूज द वर्ड विच कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्लेस द इटैलाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस, तो यहाँ पर भी किलिंग का आपको एक अपोजिट वर्ड बताना है, पैट्रिसाइड होमिसाइड जीनोसाइड या फिर फ्रेट्रिसाइड,
क्या वर्ड होगा इसका अपोजिट, तो वो होगा होमिसाइड, मतलब सुसाइड करने टाइप का. नेक्स्ट वन, चूज द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो होगा आपका क्या, डिलाइड, क्या डिल्यूड. सम पीपल डिल्यूड दैट सेल्फ इन टू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67. चूज द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड, यहाँ पर भी एक मीनिंगफुल बनाना है तो वो एक्सपोजिशन. हिज एक्सपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट वॉज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड वेरी फ्यू क्वेश्चन टू रेज. नेक्स्ट है आपका एक और, आपको इंग्लिश से ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी मीनिंगफुल वर्ड कंप्लीट करना है आपको, उसके बाद भी आपको मीनिंगफुल वर्ड कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी आपको एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल, तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन है जो आने वाले हैं. फिर है क्वेश्चन आपका सेम मीनिंग क्या, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होगा, एग्रेडेबल, रिक्वायर्ड, स्टबबॉर्न या फिर यूजफुल. तो इसका मीनिंग होगा रिक्वायर्ड, क्या होगा, रिक्वायर्ड. अब एक्सक्यूट का मीनिंग पूछा है तो एक्सक्यूट का मीनिंग होगा आपका उज. नेक्स्ट इम्पाउंड का अपोजिट वर्ड पूछा है कि इम्पाउंड के अपोजिट में क्या होगा, इसका मतलब होगा रिलीज, क्या है, किसी भी चीज़ को छोड़ना. नेक्स्ट है आपके प्रॉफिट को लेके क्वेश्चन, तरीके से आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेम एज रिपीट नहीं होंगे, लेकिन आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं. हम यहाँ पे ओनली नर्सिंग वाले सेक्शंस ढूंढ रहे हैं और जीके वाले. तो 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप. फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन. फायर टेम्पल, अग्नि टेम्पल है किस रिलीजन में कंसिडर किया, बुद्धिज्म, सिंटोसिज्म, क्रिश्चियनिज्म या फिर पारसी रिलीजन, किसमें किया जाता है, तो ये होते हैं पारसी में, किसमें, ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म या फिर पारसी रिलीजन में, यह जो क्या है फायर टेंपल है जो यूज़ किए जाते हैं, वर्षे पूजा वहाँ पर की जाती है. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर. यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर मॉस्को में, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह है न्यूयॉर्क में. नेक्स्ट वन, नेवल स्टाफ इन अ सबमरीन कैन सी ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर विथ अ. तो सबमरीन में, समुद्र में सबमरीन छोड़ी जाती हैं, तो जो नेवी वाला स्टाफ होता है पानी में क्या ऑब्जेक्ट है उसको कैसे देख सकते हैं, तो ये देखते हैं पेरीस्कोप की हेल्प से, किससे, पेरीस्कोप की हेल्प से. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड बाय अमजद अली खान. अमजद अली किसके कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वीणा, तबला, सरोड या फिर सितार, बजाते हैं सरोड. लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जाना जाता है, तो वह फ्लोरेंस नाइटेंगल. नेक्स्ट है द ग्रेट बैरियर रीफ इज इन विच कंट्री. ग्रेट बैरियर, द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में. कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में. विच ऑफ दी फॉलोइंग डिसीज विच वन इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट. तो यहाँ पर इंसेक्ट बाइट से तो ओनली डेंगू होगा, स्कर्वी होगा, सी की कमी से निमोनिया, बैक्टीरियल हो सकता है, अस्थमा में आपके जो ब्रोंकियस पास्म की कंडीशन होगी. डेंगू क्या है, मच्छर के काटने से होगा. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट. सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन किससे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन से, किससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होगा, तो वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट वन, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है वीनस. नेक्स्ट वन, एक्सपोजर टू द सनलाइट हेल्प्स इन अ पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ, बिकॉज यदि आप सनलाइट में होते हैं तो आपको किस तरीके से हेल्थ के लिए हेल्पफुल है. रेजिस्टेंट, पावर इंक्रीज, द इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी, द अल्ट्रा वायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी या फिर पिगमेंट सेल्स इन द स्किन गेट स्टिम्युलेटेड इन प्रेजेंट एंड प्रोड्यूस अ हेल्दी टैन. क्यों जरूरी है, तो ये क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रे कन्वर्ट करती है स्किन ऑयल को विटामिन डी में. नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इस तरीके से क्वेश्चंस कि आपको सीरीज कंप्लीट करने के लिए दी गई है,
तो इस सीरीज़ में आपका जो आंसर आएगा वो होगा 81, 56 के बाद 81। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइट का कैंडल, तो इससे मोस्ट एनालॉगस क्या है, एक्सरसाइज स्ट्रेंथ, कार का इंजन, डाइटिंग ओवरवेट या फिर पावर का बैटरी, क्या होगा, तो होगा पावर का बैटरी। हाउ इज डेविड्स फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ सन्स वाइफ रिलेटेड टू डेविड, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वो होगी डॉटर इन लॉ। यहाँ पर फिर से एक सीरीज दी है, इसको आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पर ये आएगा 22। लास्ट है यहाँ पर, मेरी मैथ रीजनिंग बहुत ही वीक है, तो यहाँ पर भी जो आएगा आपका 41। तो ये था ANM GNM का पेपर, आई होप आपके लिए पेपर हेल्पफुल रहे, जिनका भी अपकमिंग टाइम के लिए पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर। बट जो भी लोग पेपर्स लेना चाहते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेपर्स परचेस कर सकते हैं। 23 पेपर का चार्ज आपको है ओनली 200 रुपीज़। थैंक यू, बाय बाय।